हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में आज क्या खास है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। जैसे कि एक शॉर्टकट की के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आप कुछ भी टाइप करते हैं, गूगल शीट ओपन है, यहां पर कुछ भी आप टाइप कीजिए। लाइक मैं यहां पर लिखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये मैंने लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, और इसको लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देता हूं। अब ये लास्ट जो मैंने लिखा वो नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं सब्जेक्ट वन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखता हूं मैं सब्जेक्ट वन, ये लिख दिया मैंने सब्जेक्ट वन, ओके। तो अभी लास्ट एक्शन इसमें से कौन सा हुआ, ये वाला लास्ट एक्शन हुआ, ठीक है। तो लास्ट एक्शन को अगर आपको रिपीट कराना हो, देखिए ये लास्ट एक्शन है हमारा, अगर आप इसको रिपीट कराना चाहते हैं तो आप केवल फंक्शन बटन F4 प्रेस कर दीजिए। जैसे ही F4 प्रेस करेंगे तो लास्ट एक्शन में हमने क्या किया था, हमने बैकग्राउंड का कलर बदला था, तो लास्ट एक्शन में बैकग्राउंड का कलर ही बदल करके आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट टू, तो ये लिखा मैंने सब्जेक्ट टू, तो ये हमारा लास्ट एक्शन हो गया। और एंटर प्रेस किया, अगर हम F4 प्रेस करते हैं तो सब्जेक्ट टू लिखा हुआ आएगा, तो देख सकते हैं जैसा कि सब्जेक्ट टू ही लिखा हुआ आ भी रहा है। तो ये लास्ट एक्शन को परफॉर्म करने की शॉर्टकट है। आई होप की बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।